पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हानपी के डैड ने सिंघाओ को उसके रूम में छुपते हुए देख लिया है और बिना देर किए हुए उसे वो पीटना भी स्टार्ट कर देते हैं। हानपी उन्हें इस ऑकवर्ड से मूवमेंट पे रोकती है और ये दोनों मिलकर उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। हानवी की अपने डैड से कभी भी नहीं बनती है, वो आज भी अपने डैड से गुस्से में ही बात करती है। उसके डैड की मेंटालिटी का तो जवाब ही नहीं होता है। सिंघाओ हानवी के पास उसकी हेल्प करने को आया था, लेकिन उसके डैड को एक लड़का और एक लड़की का फ्रेंड होना सही नहीं लगता है, इसलिए वो सिंघाओ को हानवी से दूर रहने की बात बोलते हैं। बदले में सिंघाओ भी उन्हें कहता है कि ये सब कहने से अच्छा है कि आप हानवी को थोड़ा टाइम दें, क्योंकि आपके बिजी रहने से हानवी आपसे दूर जा रही है और शायद बाद में आपको रिग्रेट होगा कि आपने अपनी को टाइम नहीं दिया। सिंघाओ फ्यूचर से आया है तो उसे मालूम है कि हानवी के मरने के बाद उसके डैड को उसकी कितनी याद आती है। हानवी एंड सिंघाओ की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ रही होती हैं। ये दोनों स्कूल में कभी एक दूसरे को परेशान करते हैं तो कभी एक दूसरे से फाइट करने में लगे रहते हैं। हर किसी को लगने लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट सीबी तो हानवी को बोल भी देती है कि यार मैं तुझे और सिंघाओ को एक साथ देखकर बहुत जेलस फील करती हूँ, तुम दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा है, मैं तो चाहती हूँ कि जैंग भी मुझसे फ्रेंकली वे में बिहेव करे जिस तरह तेरे साथ सिंघाओ करता रहता है। हानवे जानती है कि जीवे जैंग को दिली दिल में लाइक करती है, इसलिए हानवे जीवी की हेल्प करने के लिए जैंग के पास जाती है और जैंग को जीवी के साथ ब्लैक बोर्ड न्यूज पेपर करने की बात कहती है। जैंग को स्कूल के बाद ड्रॉइंग क्लास आज अटेंड करना था, बट हानवे की बात मानकर वो आज ड्राइंग क्लास लेट से जाने का डिसाइड करता है। जीबी जैंग को इतना लाइक करती है, बट जैंग इतना उल्लू होता है कि उसे जीबी की फीलिंग्स कभी दिखती ही नहीं है। ये लोग ब्लैक बोर्ड पे वॉर कर रहे होते हैं कि इनकी एक खरूसी क्लासमेट जुनडॉक आती है और जानबूझ के वो इनके बनाए हुए ड्राइंग्स में नुक्स निकालना शुरू कर देती है ताकि ये लोग उसे भी ड्राइंग बनाने का मौका दें। जुनडॉक की हरकतों से जीबी एंड हानवी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर सिंघाओ चुपचाप जुनडॉक के पैथरे झेल रहा था क्योंकि वो क्लास का मॉनिटर है और उसका ओबीडियंट बिहेव करना जरूरी है, पर ये देखकर हानवी काफी गुस्सा आ जाती है। हानवी को पसंद नहीं आता है कि सिंघाओ किसी दूसरी लड़की की बात सुने, असल में ये हानवी की जेलसी होती है पर वो ये रियलाइज नहीं करती है। हानवी को मनाने के लिए अब सिंघाओ के लिए बबल मेकर टॉय भी लाता है, जो देखकर हानवी काफी खुश होती है और इसी बहाने से ये दोनों साथ में काफी अच्छा मोमेंट भी शेयर करते हैं। ये दोनों तो यहाँ पर एक साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, बट बेचारे जैंग का दिन आज बहुत खराब होता है। जैंग की क्लास लेट आने पे ई उस पे ऑलरेडी गुस्सा होती है और ऊपर से जैंग सामने रखे फ्रूट्स को आती ही खाने लगता है, जिसे ई ने रखा था ताकि आज जैंग उसे देखकर उसकी कॉम्पोजिशन ड्रॉ कर सके। जैंग के गधों वाली हरकतों से ई आज काफी चिढ़ जाती है, वो सोच भी लेती है कि अब से वो जैंग को पेंटिंग नहीं सिखाएगी। वैसे जैंग को पेंटिंग में कोई खास इंटरेस्ट है भी नहीं, वो तो बस अपने डैड के फोर्स करने पे पेंटिंग सीख रहा है। अब पेंटिंग क्लास में ई के गुस्से से और स्कूल में अच्छी स्टडी करने के प्रेशर से जैंग काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसे लगता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है और वो ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाएगा। ये देखकर जीबी को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है और वो उसे अपने आइडल जेन्यू का एग्जांपल देकर समझाने लगती है कि जेन्यू भले ही आज एक स्टार बन चुका है, बट पास्ट में उसने भी बहुत डिफिकल्टीज का सामना किया है। मैं उसकी फैन हूँ और मैं उसकी स्टोरी को जानकर हमेशा मोटिवेट होती हूँ। सिंघाओ बीच में बोलता है कि जेन्यू की बात अलग है, वो जैंग के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालता है और कभी कभी तो वो सारी रात जग के रिहर्सल करता रहता है। ये बात सुनते ही इसे भी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो जेन्यू की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन उसे आज तक नहीं पता था कि जेन्यू सारी रात जाकर रिहर्सल भी करता है। वो सिंघाओ से पूछ लेती है कि तुम्हें ये कैसे मालूम है। सिंघाओ जीबी को कुछ कहने के बजाय यहाँ से जल्दी में कहीं चला जाता है, क्योंकि उसे याद आ गया था कि कल यू डे है और पिछली बार के पास्ट में कल के दिन जेन्यू ने अपने आप को पियानो रूम में लॉक रखा था। सिंघाओ जेन्यू से मिलना चाहता है क्योंकि हानवी के बारे में जेन्यू उसे काफी सारी बातें बता सकता है। आज रात में जब जेन्यू पियानो हॉल में आता है तो सिंघाओ भी चुपके से उस हॉल में एंटर करता है और मौका देकर वो जेन्यू से मिलता है। सिंघाओ फिर उससे पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नन हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर तुम उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो। जेन्यू उस पे हाइपर होकर कहने लगता है कि तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो। हानवी को भी यही लगता है कि मैं और नन एक दूसरे से प्यार करते थे, पर सच ये नहीं है। मैंने हमेशा से हानवी को लाइक किया है और मैंने जब हानवी के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था,
क्योंकि ननन मुझे लाइक करती थी। हानवी चाहती थी कि जैसे ननन मुझे पसंद करती है वैसे मैं भी ननन को लाइक करूं। बट मैंने ननन के सामने भी डायरेक्ट कह दिया था कि अगर हानवी मेरी लाइफ में नहीं आती है तो फिर मैं किसी और के बारे में कभी भी नहीं सोचूंगा, मैं किसी और से कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा। और बस इसी रीजन से हानवी ननन एंड मेरी फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई थी। फिर जिस दिन मैंने अपना पहला सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसी दिन ननन का एक्सीडेंट हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं कंपनी के परमिशन के बिना किसी भी काम को नहीं कर सकता था, इसलिए मैं जब भी ननन से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया तो मैं कभी भी ननन के वार्ड में जाकर उसे पास से नहीं देख पाया, क्योंकि मैं एक स्टार हूँ और मेरे हर एक मूवमेंट हर एक एक्टिविटी पे लोगों का ध्यान रहता था। ये सब कहते कहते जेन्यू थोड़ी सेल्फिशनेस वाली बातें भी कर देता है। वो कहता है कि मैं अगर ननन से नहीं भी मिलता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, वो कोमा में है और वो मुझे देख भी नहीं पाएगी, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए अब नहीं जाऊँगा। इस बात पे सिंघाओ को गुस्सा आता है और वो एक पंच जेन्यू को लगा देता है, क्योंकि उसके बाद से पता चल रहा था कि उसे ननन की कोई खास फिक्र नहीं है। लेकिन हानवी है जो चाहती है कि जेन्यू ननन से मिलने जाए ताकि उसकी तबीयत थोड़ी सी सुधर जाए। ननन भले ही कोमा में मूव नहीं कर सकती है बट उसके सेंसेस अभी भी एक्टिव हैं। इन दोनों में अब कन्वर्सेशन बढ़ती जाती है। जेन्यू सिंघाओ से पूछता है कि तुम ननन को कितने दिनों से जानते हो। सिंघाओ बताता है कि मैं ननन को नहीं जानता हूं, मैंने बस उसे फोटो में एक बार देखा है। ये सुनकर जेन्यू शॉक हो जाता है क्योंकि एक साल पहले स्कूल में ननन के पास उसने सिंघाओ का आईडी कार्ड देखा था। सिंघाओ को भी ये बात बताता है पर सिंघाओ को भी ये बात सुनकर बहुत हैरानी होती है क्योंकि सच में उसने आज तक अपने सामने कभी ननन को देखा ही नहीं था। अब आज का सारा दिन तो सिंघाओ ने जेन्यू से मिलने में और उसकी रियलिटी जानने में लगा दिया था। और अगले दिन वो जैसे ही स्कूल जाता है तो हानवी उसे सवाल करने लगती है कि कल तुम पूरे दिन कहाँ थे, मगर सिंघाओ भी हानवी को कल के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। और टॉपिक को चेंज करने के लिए सिंघाओ उसके हाथ से उसका सेलफोन ले लेता है, जिसमें हानवी भी अपना फोन लेने के लिए उसकी ओर बढ़ती है और इसी चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाती है। ये नजारा पूरा क्लास भी देख लेता है, जिसे बाद में इन दोनों को बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है। जीबे एंड जेंग आज ब्लैक बोर्ड न्यूज पेपर कम्प्लीट करने का अनडिसाइड करते हैं और ब्रॉडकास्टिंग का काम बचा हुआ था, जिसे जीबे हानवी एंड सिंघाओ को हैंडल करने को बोलती है। लेकिन इसी दौरान हानवी से माइक ऑन रह जाता है। हानवी अपनी और जेन्यू की फ्रेंडशिप की बातें सिंघाओ को बता रही थी, जो माइक के थ्रू पूरा स्कूल भी सुन लेता है। जीबे भी ये सारी बातें सुनती है और वो बहुत हॉट हो जाती है, क्योंकि हानवी को वो बहुत अच्छी फ्रेंड मानती थी और हानवी ने उसे जेन्यू और अपने रिलेशन के बारे में बातें छुपाई, जबकि हानवी भी जानती है कि जीबे के लिए जेन्यू उसका आइडल है। आज अचानक से हानवी से मिलने के लिए जेन्यू स्कूल आ जाता है। हानवी उसे देखकर बहुत खुश होती है, वो ये सोचती है कि जेन्यू उसके और ननन के फ्रेंडशिप को अभी भी मिस करता है। बट जेन्यू हानवी से कहता है कि तुम्हें अब पास से मूव ऑन कर जाना चाहिए, ननन के साथ जो भी हुआ वो उसका फेट है, तुम्हें उसकी कंडीशन को उसके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। जेन्यू के दिल में क्या है ये जान के हानवी को बहुत बुरा लगने लगता है। वो बीच सड़क पे ही उस पे चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो, तुम आखिर इतनी आसानी से सब कुछ कैसे भूल सकते हो। सड़क पे जेन्यू को आते जाते लोग नोटिस करे होते हैं, इसलिए वो यहाँ से हानवी को बिना कुछ बोले ही चला जाता है। हानवी बहुत रो रही थी तो सिंघाओ आता है और उसे वो संभाल लेता है। बट जेन्यू के पास एक पिक्चर थी जो यहाँ पर गिर जाती है और उसे कोई तीसरा शख्स आकर उठा लेता है। अब ये शख्स कौन है यहाँ पर हमें नहीं दिखाया जाता है। जेन्यू के कारण से हानवी का मूड बहुत ऑफ हो गया था, इसलिए सिंघाओ उसे अच्छा फील करवाने के लिए सी साइड ले जाता है। यहाँ आने से हानवी को काफी अच्छा फील भी होता है। फिर ये दोनों एंजॉय करने के लिए एक फेयर में जाते हैं। आज पहली बार हानवी इतना ज्यादा खुश होती है। अब काफी मस्ती करने के बाद ये लोग थक हार के एक जगह बैठे होते हैं और इन दोनों को साथ में स्कूल का प्रिंसिपल भी देख लेता है। इस बार तो प्रिंसिपल कंफर्म हो जाता है कि पक्का इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसलिए नेक्स्ट डे ये मिस्टर याओ को भी हानवी एंड सिंघाओ पे ध्यान देने की बात कहते हैं। मिस्टर याओ भी प्रिंसिपल की बात मानकर इस बारे में सीधे सिंघाओ एंड हानवी को समझाने लगते हैं। वो सिंघाओ की सीट भी क्लास में चेंज कर देते हैं ताकि वो हानवी से दूर रहे। दूसरी ओर जीबे हानवी से अभी तक नाराज है। हानवी उससे माफी मांगने का काफी ट्राई करती है बट वो उससे बात नहीं करती है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।